सारे सबूत पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के प्रूफ मिल रहे थे, सारे प्रूफ उनको गुनहगार सिद्ध कर रहे थे। लेकिन भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया? खबरें तो ये भी है, उस समय भी हमारी सेना, हमारी वायु सेना, हमारी नौसेना बदला लेने के तैयार थी। सेना का खून गर्म हो रहा था, दिल्ली ठंडे बिस्तर में पड़ा था, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों को इजाजत नहीं दी गई, उनके हाथ पैर बांध कर रखा गया। क्या हाथ पैर बांध करके आतंक का मुकाबला हो सकता है? क्या सेना के जवानों के बेड़िया पहन करके हम कहोगे मारो, ये चल सकता है क्या? क्या ऐसे देश की सुरक्षा होती है क्या? क्या देश के दुश्मन के साथ ऐसी नरमी बरत दिखनी चाहिए क्या? साथियों, यही वजह थी कि मुंबई हमले के बाद भी देश में लगातार आतंकी हमले होते रहे, एक के बाद एक बम दबा के हो रहे थे, सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों घायल हो रहे थे। इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे, लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया, उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली, सिर्फ गृहमंत्री बदले। अब नीति बदलनी चाहिए कि गृहमंत्री बदलना चाहिए?